नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में कि फेसबुक का प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इंड तक बने रहिएगा। मैं फेसबुक प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो फेसबुक में प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन में फेसबुक ओपन करता हूँ और फेसबुक ओपन करने के बाद अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फेसबुक पे या फेसबुक पेज पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर फेसबुक के होम पेज पर सी डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन। तो जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है यहाँ पे आपका जो एक महीने या दो महीने में टोटल एक्टिविटी क्या रही है, आपके पोस्ट द्वारा कितने व्यूवर आए, कितने फॉलोअर आए, क्या इंक्रीमेंट रही है, परफॉर्मेंस क्या रही है, ये सारा यहाँ पर शो कर देता है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है सेम वही कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में शो रहे जो हमारे फॉलोअर हैं तो टोटल 77 है, 77 फॉलोअर है और लास्ट 28 दिन की एक्टिविटी यहाँ पे शो कर रही है। जो हमने एक पोस्ट किया था उस पोस्ट पे जो लोग आए वो 8 लोग आए, इंगेजमेंट 6, इम्प्रेशंस 9 एंड नेट फॉलोअर जो इंक्रीमेंट हुआ वो 0। तो मैं पोस्ट नहीं करता हूँ तो यहाँ पे इसलिए 0 शो कर रहा है। तो आपको बताने के पर्पज़ से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जो नेट फॉलोअर मेरे बढ़े 28 दिन में 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका टॉप पोस्ट रहेगा, जो भी आप पोस्ट किए रहेंगे यहाँ पे शो कर देगा और उस पोस्ट पे लोग कितने लोग आए, वीडियो देखे, यहाँ पे शो कर देगा, इंगेजमेंट क्या हुई यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे सी इनसाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं अधिक जानकारी के लिए, अधिक डिटेल में जानने के लिए। तो जैसे ही आप सी इनसाइड पर क्लिक करते हैं तो जो आपका टॉप पोस्ट रहेगा उस पर वॉच टाइम क्या है, टोटल व्यूवर क्या है और क्या क्या रिएक्शंस है लाइक के यहाँ पे शो कर देगा और उस वीडियो पे क्या कमेंट है यहाँ पे टोटल शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिल जाता है ओवरव्यू का ऑप्शन, पोस्ट रीच, आपने जो पोस्ट किया था उस पोस्ट तक कितने लोग पहुँचे, 11 लोग, इम्प्रेशंस 12 लोग, तो यहाँ पे इंगेजमेंट 8। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी मज़ेदार चीज़, यहाँ पे जो आपको मिल जाता है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन। अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे या फेसबुक पेज पे आप प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो होता क्या, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अगर आप फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं और आप प्रोफेशनल मोड को ऑन कर रखे हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप इसको ऑन कर सकते हैं और ऑन करने के बाद होगा क्या कि जो भी आप पोस्ट करेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे आपने फेसबुक पे या फेसबुक पेज पे, तो होगा क्या आपके वीडियो पे ऐड आएंगे और जो ऐड आएंगे उसके ज़रिए आपका रिवेन्यू जनरेट होगा। जैसे यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं जो लोग और उस वीडियो पे ऐड आता है तो इनकम जनरेट होता है, तो सेम वही पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है इसमें और यहाँ पे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे इंटरेक्शन आ जाएगा। इंटरेक्शन मतलब कि आपने जो पोस्ट किए थे उस पर लोगों द्वारा क्या क्या रिएक्शंस आए हैं यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन रहेंगे सारे शो करेंगे बट आपको जो रिएक्शन मिले रहेंगे यहाँ नंबर में शो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइक 4 आए और लव वाले जो रिएक्शन आए 2 आए और इस पोस्ट पे कमेंट क्या है 0 है, शेयर क्या है 0 है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पोस्ट की है इस पर कुछ व्यूअर कम है या फिर व्यूअर आपके हिसाब से सही है फिर भी आप ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक अपने इस पोस्ट को पहुंचाना तो यहाँ बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, आप बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करके अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं कुछ पैसे पे करके। अगर आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने पोस्ट को बूस्ट करवा सकते हैं और अपने व्यूअर और फॉलोअर को यहाँ से इसकी मदद से बढ़ा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि फेसबुक में प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या है और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं।